देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। कोरोना का फैलाव ना हो इसके लिए अब राज्य सरकार ने चार शहरों में पिंपरी चिंचवर, पुणे, बॉम्बे और नागपुर को पूरी तरह से बंद यानी चारों शहरों में लॉकडाउन कर दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना के प्रकोप के चलते प्रशासन सख्ते में है। मुख्यमंत्री ने यह साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि मुंबई MMR क्षेत्र, पुणे, पिंपरी चिंचवर और नागपुर में शुक्रवार की रात 12 बजे से पूर्णतः लॉकडाउन किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी प्राइवेट कार्यालयों को घर से काम संचालित करना होगा। यदि संभव नहीं है तो उन्हें अपने कार्यालय कुछ समय के लिए बंद करने होंगे। यह लॉकडाउन 31 मार्च 2020 तक रहेगी। इसके साथ ही ट्रेन और बस इस लॉकडाउन में शामिल नहीं है। सरकारी कार्यालयों में 25% उपस्थिति कम होगी। वहीं बैंक इस समय खुले रहेंगे। कुछ आवश्यक सेवाएं हैं जिन्हें शटडाउन से बाहर रखा जाएगा, जैसे पेयजल, बैंकिंग सेवाएं, टेलीफोन, इंटरनेट सेवाएं, रेलवे और परिवहन सेवाएं, भोजन, सब्जियां, किराने का सामान, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र, मेडिकल स्टोर और बिजली सेवाएं बदस्तूर चालू रहेगी। इसी के चलते INBCN न्यूज की टीम ने जायजा लिया शहर के महल परिसर का। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए और जिस तरह से कोरोना के मरीज जो है देश में बढ़ रहे हैं, साथ ही शहर की भी स्थिति कुछ अलग नहीं है, उसी के चलते राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शहर में नागपुर शहर को लॉकडाउन कर दिया गया है। हम महल पे है। महल जो है वो मार्केट एरिया है, मार्केट प्लेस है और यहाँ हर दिन जो है भारी मात्रा में भीड़ रहती है, लेकिन आज आप देख पा रहे हो सारी दुकानें जो है लॉकडाउन के बाद बंद कर दी गई है। आप देख पा रहे हो सभी दुकानों पर ताला लग गया है, शटर जो है डाउन हो गए हैं। लॉकडाउन की स्थिति शहर में हो गई है। उद्धव ठाकरे के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी उसके बाद जो है लॉकडाउन की स्थिति अब शहर में कर दी गई है। राज्य के चार जो शहर है, पुणे, पिंपरी चिंचवड़, नागपुर और बड़े सिटी में जो है लॉकडाउन कर दिया गया है। आप देख पा रहे हो कि महल का जो एरिया है सारी दुकानें हमें बंद दिखाई दे रही है, सब दुकानें जो है बंद कर दी गई है कोरोना वायरस का फैलाव ना हो, इसीलिए ये जो है एहतियात बरता जा रहा है और लॉकडाउन जो है शहर में कर दिया गया है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, INBCN न्यूज़ नागपुर।